Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Singhra, and as you all know me by now, I am a proud Fintrammer. Welcome friends, welcome to our ACCA Talks. Yes, my friend, ACCA Talks is the series wherein we will pick up some important topics और वो सारे आपके issues जो आपको बहुत problem देते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी information चाहिए, जो लेने के लिए आप struggle भी करते हैं. हम उन सब informative areas को या issues को यहाँ पे लाएंगे और उन्हें market experts के साथ, veterans के साथ, जो already market में हैं, काम कर रहे हैं, उसी field में हैं, उनसे डिस्कस भी करेंगे और उनसे रियल टाइम गाइडेंस लेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन डू व्हाट दे हैव डन इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और यही सोच के साथ आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, विच इज ACCA इन बिग फोर्स. ACCA अगर बिग फोर में जाना चाहें तो वो कैसे जा सकते हैं, क्या उनका वो रास्ता होता है, किस तरह के बिग फोर में प्रोफाइल्स होते हैं, बिग फोर क्या क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या एंट्री पॉइंट होता है, क्या सैलरी होती है, क्या ग्रोथ पाथ होता है, क्या कंपैरिजन होता है, एंड व्हाट नॉट. वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे इन डिस्कशन विद हर्षिता आहूजा. हर्षिता आहूजा ऑलरेडी इंडस्ट्री से हैं, शी इज पार्ट ऑफ ए बिग फोर एंड शी हैज बीन वर्किंग एज एन ACCA मेंबर ओवर देयर ओवर लास्ट मेनी इयर्स. हम उन्हें स्पेशली रिक्वेस्ट करके यहां लाए ताकि वो आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर सके जो आपके लिए रेलेवेंट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन बिग फोर एंड व्हाट यू रियली नीड टू नो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अप्लाइंग इन एनी ऑफ द बिग फोर्स. तो चलें बात करें हर्षिता से. बिल्कुल, बट बिफोर वी गेट इन देयर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल Fintram Global फॉर कीप गेटिंग दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल ऑफ द डिटेलिंग शॉर्ट्स which you really need to really excel in ACCA. So should we go and talk to Harshita? Yes, sir. Hi Harshita, welcome back. I would say welcome back because मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ एक और एपिसोड के लिए, because मुझे लगता है इस एपिसोड में जो value add Harshita कर सकती है वो मुझे मिल ही नहीं सकता है. So welcome back Harshita, thanks for joining us again and really really warm welcome to be on board. Hello, thank you so much for welcoming me and thank you so much for giving me an opportunity again. It is a pleasure. Oh, pleasure is all ours, ma'am. Pleasure is all ours because आप लोग हम लोगों के लिए टाइम निकाले और ऑफ कोर्स ACCA फ्रेटर्निटी के लिए आप लोग आए और एटलीस्ट वो गाइडेंस दें उन्हें, इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती है. Think whatever we are doing together, that is great. Thank you. मैं अगर थोड़ा सा perspective दूं हर्षिता in terms of you know the discussion that I really wanted to have today was something which I think everybody really wants to know and really wants to understand. बहुत सारे बच्चे, चाहे वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हों या सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हों या ACCAs हों, यू नो सेमी क्वालिफाइड क्वालिफाइड, बहुत सारे बच्चे बिग फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लाइफ जिए जो आप लोग जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो डूइंग वट एवर यूर डूइंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बींग इन द बिग फोर. नाउ दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड, दे रियली नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि बिग फोर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के उनके पास रोल्स अवेलेबल होते हैं, किस तरह की चीजें वो एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, किस तरह के उन्हें पैकेजेस मिलते हैं, क्या उनका ग्रोथ पाथ रहता है, एंड व्हाट नॉट. और एक और चीज है जो मैं शायद इस बार नहीं, यू नो वेरी सून आई ट्राई कवरिंग इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल जॉब्स, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम बहुत सारी और ढेर सारी बातें करेंगे. आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट एज टू व्हाट the right mechanism of that episode would be. But bachche, important ye hai ki hum is cheez ko samjhein ki bachchon ki jo real need hai na, wo need hai samajhne ki ki actually mein big fours hain kya, kis tarah ke roles hote hain and so on so forth, jo humne bhi baat kari. To mujhe laga ki main at least aap se ye episode mein aapko request karu aane ke liye aur aapke sath khoob dher sari baatein karu ki at least hum wo bachchon ke jo doubts hain, jo confusions hain, unhe dur kar sake.
That is the reason I thought, you know, why not to have you and request you again, you know, to be here. So why don't we start off with, you know, and, you know, with your introduction, giving some perspective to the student, then I have, you know, my plethora of questions of, you know, waiting for you. So thank you so much. And I think this is a very great topic. Like, I have people messaging me, and if people are messaging me, and I'm sure people want to know what Big Four is, what they do, what they do. People are very excited about getting into Big Four without even knowing what they do, because of lack of information. I remember when I was back in college, that time, EY placement, the world is set up, I don't know what EY does, Big Four. So that thing is really special, I feel, and this is a great topic. Starting with my introduction again, I joined EY 5 years ago as a campus placement and as a staff, as an associate. Then I completed my education and then I got promoted to a senior after 3 years of being a staff. And I'm a senior too now. I've completed 2 years as seniors as well. So this is how I'm working. This is exactly in crisp what my journey is with EY. So yes, this is about, EY is one of the Big Fours. So this is about my journey, just in short. And when you say education, you know, just to circle back and to get back to your audience on this in terms of, you know, what she has done. She started off her ACCA after joining EY and she completed ACCA along with the EY job, you know, while working full-fledgedly into the EY audit role, which is commendable. Let me tell you that, coming from the industry background, I can tell you, you know, doing a, you know, a Big Four job and doing a qualification along with it is not going to be easy. So, you know, again, kudos to you, Harshita, for that. Certainly. I think I started 1 year after I spent time in EY. And after that, I started. I thought, ki nahi yahan pe rehna. And to grow in this organization, you need to have a qualification. It could be any other qualification, but you need a professional qualification. So I thought, ki, yes, I need to start. And I've talked about this before as well. So I started 1 year after, and then I completed it in about 2 years. And then meanwhile, I was ready for promotion. So things went well, all in time. Very good. अच्छा अर्चिता, अगर हम अब एक स्टेप बैक लें और हम बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि जो जो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं बच्चे बिग फोर में जाने के लिए, उन्हें उन्हें शायद हम ये बता पाएं कि बिग फोर में किस तरह का काम होता है. मुझे लगता है हम उतना बेसिक से शुरू करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए जानना, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल एसेंस इज, ताकि बच्चों को ये पता तो हो. अभी तक तो जो भी बच्चा होता है वो आंख बंद करके बोलेगा बिग फोर जाना है, बिग फोर जाना है. उसे ये भी नहीं पता किस रोल में जाना है, किस प्रोफाइल में जाना है, किस किस सर्विसेज लाइन में जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर देयर, और यू नो, आई वुड से व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज बीइंग डन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड, एंड सो ऑन सो फोर्थ इन बिग फोर, एंड देन वी विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. Right, right. So I'll tell you one very basic thing about and very common thing about all the big fours is ki wo kya karte hain, wo campus se na bahut zyada hiring karte hain, like bulk mein hire karte hain bachcho ko. And obviously not everyone gets selected, but a lot of people do. And they hire for audit role, assurance role majorly. So that's primarily one of the services. So they offer many services apart from audit as well, which we might not be aware of, which I would like to really throw some light on. But the main service here is audit. Just ke liye hum hire hote hain. Maybe I also begin my career with audit, and it's going great, thankfully. So audit is one of the major consultants, one of the major services that they have to offer to their clients. And talking about other lines, there are other lines like consulting. Consulting एक service है जो Big Four provide करता है अपने clients को. Taxation एक service है जो Big Four provide करता है. Risk and advisory है. So these are मोटे-मोटे चार service lines that we have. Like there are others as well, but this is major service line that all the Big Fours have. And not just Big Fours, even if you go to Big Five, Big Six, Big Eight, all of them have these. So this is where you can obviously start your career with. It's जरूरी नहीं है that you need to start with audit only, but yes, audit is a great start. That's what I would like to throw some light on again. The audit mein kya hota hai? You join as a staff or an associate, I would say. Then you remain as an associate for about 3 years. Okay. And then after 3 years, ek tumhara pura discussion hota hai ki tumhe promote kara jaye ya na kara jaye. And then you're promoted to a senior. And then you remain a senior for about 2 to 3 years, depending on your performance.
उसके बाद एएम बनने के लिए यू नीड टू बी सेमी क्वालिफाइड. इफ यू आर नॉट सेमी क्वालिफाइड योर ग्रोथ जस्ट इज स्टिल हियर. उसके बाद यू हैव टू से बाय बाय टाटा टू बिग फोर. अदरवाइज यू नीड टू परसू, यू नीड टू स्टार्ट परसूइंग एजुकेशन. And then AM, we have assistant managers, and then we have managers, then we have senior managers, so, and we have executive directors, and then we have partners finally. So this is how it looks like. And aisa similar hi hota hai, just different names. Analyst ka naam de dete hai, associate ka naam de dete hai, all those other names. But this is exactly how it is in all the four service lines. And I can tell you, you know, ye sab big fours mein yahi hierarchy rehti hai. उनके नाम जरूर हो सकते हैं, लोग चेंज कर दें डिपेंडिंग अपॉन डेलॉयट कुछ बोलेंगे, ईवाई कुछ बोलेंगे, केपीएमजी कुछ बोलेंगे, ब्रॉडली सेम रहेगा. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर्षिता आपने यहाँ छेड़ा ना, वो आई रियली वांट टू यू नो ड्वेल ऑन दैट. आपने कहा कि बहुत सारी जो जॉब्स आती हैं ना वो ऑडिट में आती हैं, एंड यू नो विदाउट नेमिंग नेम्स, यू नो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज नाउ पार्टनर विद यू नो वन ऑफ द बिग फोर्स, एंड यू नो व्हेन वी यूज्ड टू have a chat, you know, offline and, you know, on some other topic. One of the biggest reason why they have the maximum hiring in audit is because ek audit ki need sabse zyada hoti hai headcount ki, because aapko allocate karne padte hain har client ko different headcount. Ek banda 6 audit kar le, ye possible nahi hota at one point in time. To ek bacche ko ek ya do audit mein involve kar sakte ho aap ek quarter ke andar ya do quarter ke andar for that matter. To isliye audit mein need sabse zyada hoti hai head count ki. Isliye need zyada hoti hai to demand zyada hoti hai from the standpoint of course, you know, like aap tax ka koi agar resource hoga to usko aap 3-4 organization ka kaam ek bacche ko de sakte ho, wo manage kar lega, you know, junior ke sath milke and this and that. But audit ke case mein, you know, you have to have the one-on-one concentration with the client, hence the need of the people is much more in relation to anything else. Ek aur reason bhi hai audit ke andar jyada hiring karne ka, and that is because the audit has the maximum attrition also to an extent. Kyunki demand zyada hai aur demand har jagah zyada hai, so attrition bhi zyada hota hai. To kyunki attrition hai to unhe backfill karna hai, backfill karne ke liye kuch extra hiring karni hai, because client ko to, you know, non stop service aap dil rahi hai and so on so forth. To ye bhi ek karan hota hai. You know, you have a high requirement on the audit and assurance side. And I can tell you, you know, as Harshita rightly said, the maximum jo hiring ho rahi hai ya hoti hai, you know, of newly qualified accountants, and you know, I'm particularly talking about ACCAs for that matter, is generally in the audit and assurance piece. Ab wo audit and assurance piece jo piece hai wo डिपेंडिंग अपॉन आप किस डोमेन के लिए हायर कर रहे हो, उस डोमेन के लिए बच्चे को हायर करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं, सिस्टम सिखाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट टू व्हाट हर्षिता सेड, यू नो, देर आर वेरियस फील्ड्स बीइंग अवेलेबल और सेगमेंट्स बीइंग अवेलेबल इन बिग फोर्स, नेमली ऑडिट, अश्योरेंस, टैक्सेशन, रिस्क एडवाइजरी, और मैं और भूल गया हर्षिता, इफ यू कैन ऐड ऑन टू दैट. आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर. यू सेड इट वेरी करेक्टली कि ऑडिट में डिमांड होती है. एक तो ऑडिट इज समथिंग ना दैट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल. ऑडिट हमेशा होगा, एंड कुछ कंपनीज की तो रिक्वायरमेंट होती है, दोज वर लिस्टेड एंड पब्लिक. एंड सेकंड, ऑडिट में क्या होता है ना, देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिवाइडेड. So you can work in consumer industry, you're working in energy sector, you're working in oil and gas sector. So either se other shift karne mein kafi problem ho jata. You can't use one resource in all the industries, right? So you won't be able to learn. And unko bhi fayda nahi hoga ki unko koi experienced resource nahi mil pa raha. To wo kafi confined ho jata hai ek particular industry. So they need more people. And jitna log utna log jayenge, so yes, attrition rate is definitely high. To add on, this consulting, there is taxation, there is risk and advisory and assurance. These are the four major areas. So I was recently, I was just applying for jobs after qualifying here and there. Okay. And I just happened to realize that there are demands for ACCAs in mergers and acquisition field. I thought that is only and solely for CFAs to do. But that's not true. And this wasn't one of the big fours here in India only. And this came as a surprise to me. And my friend was already working in that field and said, how do you do that? So she said, maybe you can also try, give the interview and see if it works out for you.
And I just talked to the HR and I got to know that, so since we have shared service centers here in India, like a lot of the, all of the big fours have shared service centers. And unke bahut sare clients hote hain UK ke, not US specifically for ACCA, but for CPA. So majorly UK ke clients jo hote hain, Europe ke clients hote hain, Middle East ke hote hain, they outsource. And they need teams here for mergers and acquisition. And I thought ki ye to sirf CFAs hi kar sakte hain, but no, we can also put our hands on finance that comes under consulting. So this is also one of the field that we can explore. Yes, entry level shayad nahi hota, but yes, after you are qualified, definitely it's a great field. Achha, pata hai, ek badi achhi cheez, Harshita, isme yaad aayi mujhe. Kahin bari na, hum aisa, bahut sari cheeze na, hum aisi soch lete hain ki, you know, yahan to ye hota hi nahi hoga. Aisa to ho hi nahi sakta hai. But when you really get closer to it, na, then you realize ki nahi nahi aisi baat nahi hai, nahi nahi aisi problem nahi hai. I can tell you, you know, in one of the earlier days in BCG, you know, when I was initially very new to BCG and I was there as heading their finance per se, tab hume lagta tha ki, you know, ki jo consultants hai, unhe corporate finance ki kahan zarurat hogi, kahan wo humse, you know, why will they have any dependency on us and so on and so forth. But then one day, one consultant called me up and, you know, he said that, Pankaj, I really want to talk to you. I said, okay, good. What? And you also get excited, you know, that something to do with the client is coming your way. And then they were negotiating a deal wherein, you know, they were talking on some of the corporate finance related aspects. And they really needed your guidance on in terms of, you know, how you manage, what you exactly do and so on and so forth, how you exactly manage the shared service, because that is again in their kitty in terms of, you know, the discussion that is happening with the client and whatnot. Right. Now, all of these things, you don't see that coming your way, but, you know, it comes if you're part of the organization. See, why I'm sharing this is because many of the times when you step into an organization, you feel that you get restricted to one of the fields. आप ऑडिट में जाएंगे तो आपको लगेगा शायद मैं ऑडिट का ही बनकर रह गया हूँ, या मैं इसी स्ट्रीम का ऑडिट का बनकर रह गया हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग का ही ऑडिट कर सकता हूँ, मैं सर्विस लाइन का ही कर सकता हूँ, मैं आईटी का ही कर सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. वी स्टार्ट फीलिंग दैट वे, बट देन यू नो यू सी ऑर्गेनाइजेशंस आस्किंग हेल्प, यू नो, ऑन ऑन गोइंग बेसिस. एंड व्हेन आई से हेल्प, इट इज नॉट ओनली हेल्प इन टर्म्स ऑफ व्हाट रियली केम माई वे, बट इट इज ऑल्सो द हेल्प that can be there for you, wherein they would have different roles being published in an organization, jisse aap IJP bolte hain, internal job posting bolte hain within the organization, jo aap post karke idhar ja sakte hain, udhar ja sakte hain, ye kar sakte hain, wo kar sakte hain. So, ek ye bhi cheez hai, jab aap join kisi aur field mein karte ho, aap end kisi aur field mein karte ho, jaise Harshita ne shayad kisi aur field mein join kiya, aur aaj se 10 saal baad Harshita aapko kisi aur field mein nazar aaye, because, you know, that's how you grow also, right? That's how you would grow when you get into an organization. And I think Big Four has this policy also, like after you've spent 12 to 18 months in their one of the field that you were hired in, you can always go and explore the other areas. Zaruri nahi hai ki aap audit mein hi rehna hai, you can try advisory, you can try consulting, you can move internal job postings, like you said. So ye kafi, plus I feel na world is like a global village. Ab na sab kuch in international investments ho rahi hai, everyone UK wale India mein kar rahe hai, India, US, everything is all combined. So they have different gaps everywhere. कहीं पे IFRS है, कहीं पे US gap है, कहीं पे NDS है. So they need controls. They need internal controls to be strong. They need कि risk ना हो. तो उस sense में अगर हम देखें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा opportunities हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. Because world global हो गया है, तो you see that everything is possible. Like you said कि that corporate finance was not possible. I thought कि M&A was not possible. Like many people think कि risk advisory में क्या role होगा. लेकिन यू रियलाइज की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट इधर उधर ही होती है आजकल. सो इट्स लाइक ACCAs एंड ऑल द अदर क्वालिफिकेशंस हैव अ बिग रोल टू प्ले इन एवरी फील्ड. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट को ही रिस्ट्रिक्टेड है हम, बट यस, ऑडिट इज अ ग्रेट फील्ड फॉर श्योर. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा हर्षिता, अगर मैं ना इसको थोड़ा सा मोर फ्रॉम द ACCA स्टूडेंट स्टैंडपॉइंट अगर कवर करना चाहूं, तो बिग फोर में प्राइमरली यू नो ये हायरार्की रहती है, इस तरह के काम होते हैं, प्राइमरली ऑडिट इंश्योरेंस का ज्यादा स्कोप होता है, बिल्कुल क्लियर. बट हमारे ACCA बच्चे, उन्हें कहाँ रिकग्निशन मिलती है या कहाँ एंट्री मिलती है, उनका एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, किस फील्ड में होता है या किस किस फील्ड में होता है,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नहीं चाहता मिस करना और यू नो आई रियली वांट यू टू आंसर इज कि क्या जो सेमी क्वालिफाइड ACCAs होते हैं जिनके 9 एग्जाम क्लियर हो गए होते हैं या यू नो व्हाटएवर दैट नंबर इज उसका क्या रिकग्निशन होता है और क्या एंट्री पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ बिग फोर, बिकॉज वो भी एक बच्चे जरूर जानना चाहते हैं, बिकॉज आजकल ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं दैट यू नो पीपल हु हैव क्लियर्ड 8 एग्जाम्स 9 एग्जाम्स दे कैन अप्लाई on fresh qualified ACCAs you also can apply 300 openings 500 openings 200 openings bahut sari openings aate hain kabhi audit and assurance mein kabhi taxation mein and so on and so forth so generally you know this is your experiences what have you observed in terms of you know what are those different entry points for ACCAs Right. So I would divide it into three parts. One is ACCA students. एक करते हैं ACCA affiliates को और एक करते हैं ACCA members को. That's how we can segregate. So आपको पता है कि बहुत ज़्यादा EY and KPMG specifically बहुत ज़्यादा promote करते हैं ACCA को. वो तो कराते हैं शुरू से लेके end तक. तो if they get a semi-qualified person, उनका तो burden आधा ही हो गया. उनको तो पक्का एकदम बंदा मिल रहा है who can just work with them. So semi-qualified ACCAs or you can say students, ACCA students, they're very much welcome. Yes, they might not, they have to start at an entry level for sure because they don't have experience, right? But so what happens is when you are semi-qualified, I know that EY and KPMG, both of them pays bonus to you for being semi-qualified, that's all, okay? And so your salary is a little high on a higher note than your peers. But when you are an ACCA student, you will be hired on an entry-level position only, but with more salary. That's what I've observed lately. Then if you talk about ACCA affiliates, they are usually hired as, you know, staff twos or maybe staff threes. They're not usually hired at staff one. The mental level pe nahi hire karte ACCA, just who just qualified as an ACCA because they believe that they have the knowledge that they possess. And obviously they are an ACCA, they can anytime, they have the power, right? So they do not take them at entry level at all. They give them that edge. They take them, of course, they won't hire them as a senior, but they would hire them as an associate or an advanced associate or an experienced associate, that you can say. Then ACCA members pe aate hain, uski koi limit nahi hai. So it can start with as low as a senior associate, which remains for 6 months. Fir uske baad tum senior ban jate ho. Then or if you have experience already, let's say you have 2 to 3 years of experience, तुम्हें assistant manager की post पे ले देते हैं, तो बस 5 साल का experience है, आजकल बहुत ज़्यादा vacancies हैं 5 साल के experience के लिए, तो तुम्हें manager की post पे ले लेते हैं, so उस there's no limit to that, but I would say कि it all starts like this, कि it starts at an entry level for a student, then at an experienced associate level for an affiliate, and then at a senior or senior associate level for a member, ये इनके respective entry points हैं. So for a member, it can go up till maybe an executive director also. True. And right. agar main inko from the lens of comparison dekhun, Harshita, ki agar ACCA ki jo entry point hai, more from the standpoint of role, again, main paise ki baat nahi kar raha hun, but more from the standpoint of role, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट या यू नो द रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट द सेम इन बिग फोर्स आई वुड से इट्स द सेम इट्स अ वेरी बिग मिथ पता है कि सीएस आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनसेशन आल्सो वी मस्ट बिकॉज़ चाहे कंपनसेशन की बात करो चाहे काम की बात करो चाहे एक्सपीरियंस की बात करो चाहे एंड यू नो देयर आर रोटेशन अपॉर्चुनिटीज इन EY KPMG PwC Deloitte तुम जिस कंट्री के साथ काम कर रहे हो यू कैन गो देयर व्हेनेवर द रोटेशन आजकल तो कोविड की वजह से थोड़ा रुका हुआ अदरवाइज इट्स देयर एंड देयर इज दिस रिक्वायरमेंट उसमें मेरी टीम में एक रोटेशन अपॉर्चुनिटी आई थी मैनेजर चाहिए था उन्हें And there was a requirement that your manager has to be either an ACCA or a CPA. And there are 7 managers in my team. 6 of them are just CAs. And there's only 1 ACCA. And she went on a rotation. So I believe, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा myth है कि CAs को opportunities बहुत ज़्यादा मिलती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I believe Big Fours, specifically the global services, are treating all of them equal in terms of money, in terms of opportunities, in terms of work. लगता है ना कि CA I'm not trying to demean with due respect to CA they've done their articleship and they have that kind of experience और ACCA के पास वो नहीं होता but I believe कि ACCA have like many skills that are better I would not like to compare here but there's no competition here in between any of the fields like I said rotation opportunity was only for an ACCA or a CPA
सो देर आर सेवरल अदर थिंग्स. एंड मैंने ऐसा नहीं देखा किसी को भी ऐसे करते हुए कि ये सी ए इसको हम इसको सीनियर ले लेंगे, ये सी सी एस को नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. एवरी वन गेट्स इक्वल चांस. इट्स जस्ट दैट हाउ डू यू यूज योर वट एवर यू स्टडी. ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है हर्षिता. ये बहुत, आई एम टेलिंग यू, पीपल आर सो कंफ्यूज्ड इन इट. आई वाज स्पीकिंग टू यू नो, एंड वी गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन यू नो, आई वुड से एट रेगुलर इंटरवल्स वेयर एन हम लोगों को पेरेंट्स स्टूडेंट्स ये लोग सब यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पोजिशनिंग होती है क्या मेरी वो होगी, क्या मेरा वो ग्रोथ पाथ रहेगा, क्या मुझे भी उसी तरह के पैसे मिलेंगे जो उसको मिलते हैं. बिकॉज यू नो ऑल ऑफ देम हैव यू नो सी ए इन देयर माइंड इन टर्म्स ऑफ एंड यू नो दे आर नॉट रॉन्ग एट देयर प्लेस बिकॉज दे हैव सीन व्हाट दे हैव सीन राइट. इट्स नॉट दैट दे आर क्लोजिंग देयर आईज, इट्स जस्ट दैट दे आर क्यूरियस इन टर्म्स ऑफ नोइंग कि क्या ऐसा है या नहीं है, क्या इस बारे में समझें क्या यू नो. सो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रियली नो दैट ऐसा नहीं है, ऐसा you know it is all in the you know it is in the mind, it is not the fact, because there are many, and I you know I've been interviewing ACCAs on and off, and I can tell you there are so many people I've met during and of course you know after and before this interview wherein I can really say that you know there is a very very different level of myth flowing in the industry that you know there is a difference. While there are many companies who are now started recognizing this like any other respectable profession, which ideally should be the case, which is the case, right? So I'll say, I think inception se na jab se hum bachche hote hain hame ACCA ke bare mein to pata hi nahi hota, we all know what CA is, and wo bhi ek point bana hua hai, CA ban jao zindagi ban jayegi. So people really don't have that awareness, but I am sure maybe 10 years down the line they'll know ki aisa nahi hota, it's very much similar or same hi hota hai opportunities and everything. And like if you really see ki, I see the study pattern of CA, I see the study pattern of ACCA, the course material is same. It's just that ACCA thoda convenient hai karne mein because you can do it with your job, but then CA ke liye tumhe article shift karni padti hai, ACCA job ko tumhari training samajh leta hai. So there's no big difference. I think time ke sath sath this thing will vanish, and maybe we'll be able to clear the myths of CA being superior to ACCA. And one more thing, you know, CAs ko aajkal, since everything is growing, IFRS specifically, they are opting for diploma in IFRS courses to skill up their knowledge. ACCA already has that knowledge, and I think that's clear. Yahi pe it's clear ki ACCA CA ko superior nahi hai. With IFRS growing, and we need to talk about how IFRS is growing. The world is talking about IFRS now. So ACCA obviously stands a point ahead, I'd say, but as a Big Four, it's the same. No, couldn't agree more. I think this is the real, real, real myth, and people should really need to understand that, because more they will really understand it, more they will realize that, you know, aisa nahi hai. And the more they'll realize aisa nahi hai, the more they'll be able to take the right decision at right point in time. Because I can tell you, Harshita, and off late, you know, when we have met so many people, there are folks who now start ACCA at the age of 16, 17, you know, while in 11th and 12th. And they complete ACCA along with their graduation. So, you know, jo bachcha 20 saal mein ek professional ho jata hai, imagine the career that he has, you know, in terms of the growth, in terms of the time that he has, you know, wo 10 saal mein to, you know, he'll be like, you know, the James Bond on the Wall Street. So, right. And yeah, I think this is again one of the advantages of ACCA ki कन्वीनियंट है, टाइम तुम अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो, यू विल गेट मोर टाइम टू स्पेंड इन योर प्रोफेशनल करियर, एंड दैट डेफिनेटली क्लियर्स आउट ऑल द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गोइंग अ सीए ओवर एन एसीए. सो आई से डेफिनेटली नॉट ट्रू एट ऑल, वी नीड टू बर्स्ट दिस मिथ. शायद मे बी क्रिएटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस विल हेल्प एवरीवन, एंड आई एम ऑन द जॉब. यस. ऑलराइट, अब थोड़ा सा ना हर्षिता, आपने पैसे की बात ना मैं बाद में पूछना चाह रहा था, बट आपने साथ में ही कवर कर डाली कि नो कि मनी वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो यू नो मनी वाइज डिफरेंस नहीं है, एंट्री पॉइंट से डिफरेंस नहीं है. अगर मैं ग्रोथ पाथ की बात करूं तो ऑफकोर्स यू नो यू ब्रीफली टच्ड अपॉन ऑन दैट, बट क्या ग्रोथ पाथ एक सीए का बिग फोर में और एक ACCA का बिग फोर में बहुत डिफरेंट होता है? Yeah, not really. But yes, one more thing. If you want to sign the financials,
I don't think so. You can sign a financial in India as an ACCA, but as a CA, you can. Yes. But kitne log karte hai financial sign? Kitna? But if you really want to do it, then of course you need to be a CA. Yeah. Otherwise, you go to UK. क्योंकि अगर आप मेरे से बात करो, यू नो, एंड बीइंग द हेड ऑफ फाइनेंस ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड वाज, और जिससे मैं बहुत डरता था हमेशा से, वो साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट. It's a headache. Because, you know, there is a big time responsibility that comes with it on your head when you are really signing off something. And all in all, you are not always 100% sure because of so many variables that are moving and so on. Right. But having said that, you know, that's a different discussion. But yes, you raised a very important point. Ki signing authority to nahi hai ACCA ke paas. Ye to bilkul clear hai. Isme to koi doubt nahi hai. But kya signing authority ke alawa, agar main is cheez ko hata dun Harshita, to kya uske alawa bahut bada difference hai? Not at all. I think I've covered it and I'll cover it again. There's no difference in terms of money, in terms of opportunities, in terms of growth pattern. कुछ लोग बोलते हैं कि आप सीईओ हो तो आपको स्किप लेवल मिल जाएगा शायद, क्योंकि आपने ना 3 साल की आर्टिकलशिप करी. आई मीन, ये कहाँ पर हो रहा है, कहाँ लिखा है, आई डोंट नो. आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग इन 5 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो नॉट सीन दिस हैपनिंग. दिस डजंट हैपन, एंड दिस इज अगेन समथिंग दैट वी नीड टू बस्ट. Growth opportunities are equal, and in fact, since we are going global, growth opportunities are more for ACCAs and CPAs and other international qualifications that I would talk about. But CAs, कुछ लोग अब ACCA करने लगे हैं, अपनी exemptions लेते हैं. क्यों? Because they know that in case they need to grow, they need an ACCA along with the CA, because you need certain areas only ACCA is valid. CA has no, I mean, CA has value, but उन्होंने एक सवाल पूछा कि सर आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो सीए और ACCA इक्वल है नहीं. मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा आपने ऐसे तो बहुत सारे सीए देखे हैं जो ACCA कर रहे हैं, देखे है ना, आपके यहाँ भी होंगे. मैंने कहा बिल्कुल ठीक, देखे हैं. सर आपने ऐसा कोई ACCA देखा है जो सीए कर रहा है? In, because you have a professional qualification, just call global CA bolte hain. That's a global CA. So I think that clears everything and rules out every possibility of CA being superior. I respect CAs. I know so many CAs. I think you are also a CA. And CAs do have their path. And I think comparing them with ACCA is something not right, because dono ek professional qualification hai aur dono ka apna apna role hai and dono ka equivalent role hai. It's just that ACCA new hai market mein thoda. लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को लगता है आसान है. आई इट्स मोर प्रोफेशनल एंड इट्स मोर बिग फोर और कॉर्पोरेट फ्रेंडली, क्योंकि तुम काम करते करते कर सकते हो. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. सो आई वुड वोट फॉर ACCA, नॉट बिकॉज़ आई एम ACCA, बट आई वुड स्टिल वोट फॉर ACCA. आई हैव सीन दैट ऑनेस्टली. ऑलराइट, अच्छा मेरा ना एक लास्ट सवाल है जो मुझे लगता है कि सब बच्चे जानना चाहेंगे और मैं भी खुद जानना चाहता हूँ. हर्षिता, मेरे को इसका आंसर तो चाहिए ही चाहिए, विच इज कि हम अप्लाई कैसे करें बिग फोर में. सो हमने सब समझ लिया, हमें सब समझ में आ गया किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह के रोल्स हैं, मैं कैसे एंटर करूंगा, मेरे क्या, यू नो, मेरी सैलरी कम नहीं होगी, मेरी ग्रोथ पाथ अच्छी होगी, मेरी रिकग्निशन अच्छी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई इशू नहीं. एंटर कैसे करूं सर, रास्ता तो बताओ सर, अप्लाई कैसे करूं सर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड एवरीवन शुड नो. सो सारे बिग फोर में ना, दिस इज अ सीक्रेट, देयर इज द थिंग कॉल्ड इंटरनल रेफरल स्कीम. दिस इज वेरी आई थिंक ट्रेंडिंग दीज डेज. लोग डालते भी इतने सारे पोस्ट लिंक्डइन पे, वी आर हायरिंग. सो क्या होता है, यू नीड टू लुक फॉर पीपल. ऐसा नहीं कि उन्हें वो सीधा बोल दो डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी. आई मीन, यू नीड टू नेटवर्क इन अ प्रॉपर वे. And LinkedIn is, of course, the best platform. Ya fir agar aap kisi ko jante ho, that's a bonus. You just send them a link. Yeah, I found this job on your careers page.
एंड कैन यू रेफर मी फॉर दिस. तो वो जो बंदा जो जैसे मैं ईमान हूँ, अगर मैं वो लिंक को खोलूंगी तो मेरे पास साइड में ऑप्शन आता है रेफर अ फ्रेंड, एंड व्हेन आई रेफर दे विल ऑटोमेटिकली गेट एन ईमेल उसी टाइम टू डू सम टेस्ट. एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद ऑल द बिग फोर्स. एक टेस्ट करने आता है एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट स्कीम. बट डोंट मैसेज पीपल लाइक बस मेरी नौकरी लगवा दो, कोई नौकरी है तो नो. दिस इज द परफेक्ट वे. जस्ट कॉल मैसेज देम, टेल देम दैट दिस इज the job that I'm interested in, this is the link, can you refer me? I am sure people will refer you if they see that message. I can guarantee. Because Big Four mein sab kisi na kisi ki help se aate hain and sab kisi ki help karna chahte hain. This is one way. The other way is obviously campus placement, jo mere liye worked out and for all the people who are in campus. But sare Big Four har ek campus mein nahin jaate hain and they are off campus. Usually na, since they serve clients in US and UK, तो और मोर ऑफ यूरोप, तो उनके ईयर एंड होते हैं ना क्लाइंट्स के, वो डिसम्बर के होते हैं. तो हमारा बिजी सीजन होता है जनवरी टू मार्च. तो यूजली हायरिंग स्टार्ट्स इन अक्टूबर सितंबर और जुलाई. ये जुलाई में हायर करते हैं फॉर अक्टूबर, अक्टूबर में हायर करते हैं फॉर जनवरी. सो ये बहुत पीक टाइम्स होते हैं, इन टाइम पे ध्यान रखना चाहिए हमें कि इंटरनल रेफरेंस के लिए. तो थर्ड प्रोसेस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू द करियर स्टेज एंड अप्लाई. लेकिन वो ऐसे ही, अगर तुम ऐसे अप्लाई करते हो तो नो, आई थिंक यू नीड टू नो द स्किल्स ऑफ there's an AI that reads the CV. So you need to prepare your CV in such a way that your CV gets selected. I remember you telling me once ki CV reject kar deta hai, aur wo karta hai, I know. But that was the best is ki internal reference. Second, I would say if you have the opportunity of campus placement, you are very lucky. Third, keep an eye, kyunki tumhare campus mein kuch log abhi placement karke gaye honge. So tell them that there will be vacancies somewhere around October, November, December for January batch. तो दे कैन रेफर यू. जरूरी नहीं कोई हायर पोजीशन पे रहे, एनीबॉडी हु इज इन ईवाई कैन रेफर एनीवन, और इन पीडब्ल्यूसी और इन केपीएमजी एनीवेयर, डेलॉयट बीबी. डेलॉयट का बस एक चीज है, डेलॉयट डू नॉट, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टच अपॉन, डेलॉयट डू नॉट रियली हायर एसीसीए अफिलिएट्स, दे हायर एसीसीए मेंबर्स इन नॉर्थ इंडिया. बट इफ यू गो टू साउथ ईस्ट, दे डू हायर एसीसीए, पर्सुइंग एसीसीए अफिलिएट्स सेम, बिकॉज उनका यूरोप ऑफिस बैंगलोर और चेन्नई में. But yes, this is a great way, internal referral. Well, I think that's really great, and that was really insightful, you know, for at least for me and for, you know, our students, that बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास एंट्री लेने के लिए, कोई एक रास्ता नहीं है. और एक रास्ता मैं और दे देता हूँ जो हर्षिता ने कहा है, which is the Telegram channel of Entram Global. You know, we have our own Telegram channel wherein we are regularly posting various openings, not only for the Big Four, but for various other MNCs. आप उसको भी join कर सकते हैं. It is freely available for you. Link मैं इस video की detail में आपको दूंगा. आप उसे join कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारी opening, ACCA से related information, exam related information, generic information बहुत सारी flow होती है, including the various job opportunities that really exist. What we try doing over there is we are not only posting the India job posting, we are also posting the overseas job posting. Overseas job posting se mujhe dhyan aaya, humne ek specific episode overseas job posting pe bhi kaam shuru kar diya hai. Uske upar bhi hum aa rahe hain. Aapko fatafat se ye channel Entram Global ko subscribe karna hai, taki wo video jab bhi aaye, jaise bhi aaye, aap tak sabse pehle pahunche. I think this is a great channel. एक होता है ना Amazon, one stop solution for every problem. L'Oreal, five problems, one solution. ये है. I think if you need job, need career guidance to follow Entram. I've seen your videos. I've been following you and it's amazing. Thank you. You know, it's all because we really want to give back on this. You know, हम लोगों ने बहुत struggle करके जहाँ पहुँचे जैसे पहुँचे, you know, and now it is time to really give back to society, give back to students, कि आप बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो जो miss हो जाता है. देखो, एक tier 2, tier 3 से आप उठो और आप एक you know, Fortune 500 में पहुँचो एक senior position पे, journey would certainly give you more, you know, some experiences. वो एक्सपीरियंस या तो अपने तक रख लो या शेयर करो. एंड आई थिंक पीपल हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू विद द काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस आई हैव हैड विद यू, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, एंड आई एम श्योर पीपल विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. सो दे डू हैव लाइक, योर जर्नी हैज बीन कमेंडेबल, सो यू ब्रिंग इन पीपल जिनकी जर्नी और भी कमेंडेबल होती है. सो यस, दैट्स अ ग्रेट प्लान, आई थिंक, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू लर्न, राइट? जितना मर्जी आप पढ़ लो या जितना मर्जी आप यू नो सुन लो, इट विल नॉट गिव यू दैट मैसेज. जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि नहीं नहीं ऐसे बच्चा यहाँ पहुंचा है और ऐसे हुआ है,
know, it gives you very different flavor and a very different motivation ki nahin, main to karunga hi karunga aur ye hoga hi hoga and what not. I think that was wonderful, Harshita. Mere paas meri question ki list to Big Four ki khatam ho gayi hai, but mera dil nahi bhara hai aapse aur sari cheeze janne ke liye. To main ek last cheez zarur puchunga aapse, which is more from the standpoint of again students. Koi tip dena chahoge aap student ko? Koi guidance dena chahoge student ko? Tip to ACCA students? Yes. Okay. Aap generic bhi de sakte ho, but you know, this platform and channel is more for ACCA students, so it will directly go to them. So anything that you would like to say? Definitely. So I would like to say one thing to ACCA students who are looking for job, or ACCA members or affiliates in Big Fours, try networking through LinkedIn. I think networking is the key, or try finding jobs that FinTram has a page, and I think that's a one-stop solution. Try finding those jobs, and na jab job postings hoti hai na, usme usually HR ka naam hota hai. Try reaching out to that HR on LinkedIn. That really helps. So this is one of the most important hack, kyunki I think people don't know, and people think ki hum kisi ko message karenge, they won't really reply or something. It's nahi. Trust me, people do. And this is one of the things that I would say. And do not stop your search for job hunting. There are ample of jobs available. Keep on searching. And do not restrict your knowledge only to audit. There are other fields also that we talked about. So keep on looking for those, and that's all. एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ. हम लोगों ने अपना स्पेसिफिक ना एक ACCA डिस्कशन फोरम भी रखा हुआ है. यू नो ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल ऑन द FinTram वेबसाइट. आई विल बी गिविंग इन द लिंक इन द वीडियो बिलो. आप उस डिस्कशन फोरम पे आके इन चीजों से रिलेटेड डिस्कशन भी ओपन कर सकते हैं. Mentors like Harshita, and of course there are many mentors who are really, you know, joined hand with us in terms of really helping the students, jinka thought process hi sirf give back karne ka hai in terms of society, in terms of students. Wo aapko wahan pe wo guidance bhi de sakte hain, wo support bhi de sakte hain jo aapko chahiye. So anything and everything that you may have, my friend, just bounce off on our ACCA discussion forum. We'll be more than happy to support you on that. I think again a great initiative, but I said it right. 5 problems, 1 solution. FinTram. Thank you. Thanks, Harshita, for that. And you know, as I said, we are really thankful for your time, and it is always a pleasure to have you here. You know, and I keep saying that, but we will be asking more and more from you as we go further, when we would need any support from you to really help our students in the best possible way. Thank you so much for having me. Thank you.